हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉकटेल्स की रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लू लगून, मिंट लेमनेड और खस लेमनेड की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकन को ऑल नहीं किया है तो ऑल कर दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं खस लेमनेड। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ग्लास के अंदर 4 से 5 आइस क्यूब्स। अब हम इसके अंदर डाल देंगे काला नमक 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाट मसाला 1/4 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे खस का जो हमने सिरप लिया है, ये रेडीमेड है, मार्केट में ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने खस का सिरप 2 टेबलस्पून लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सोडा। तो आप यहाँ पर सोडे की जगह पर इसे पानी से भी बना सकते हैं, पर आज हम बना रहे हैं मॉकटेल, तो मॉकटेल तो सोडे से ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए तैयार है हमारा खस लेमनेड बनकर। तो फटाफट से हम कर लेते हैं इसे गार्निशिंग। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे एक लेमन के स्लाइस से गार्निशिंग करेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारा खस लेमनेड बनकर। तो चलिए अब हम बना लेते हैं ब्लू लगून। तो ब्लू लगून बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक ग्लास के अंदर 4 से 5 आइस क्यूब। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ब्लू किरोसा। इसे ब्लू लगून सिरप भी कहा जाता है, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सोडा। तो ये लीजिए तैयार है हमारी ब्लू लगून ड्रिंक बनकर। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे थोड़े से लेमन स्लाइस के साथ। और ये लीजिए हमने इसमें स्ट्रॉ भी रख दी है। तो ये तैयार है हमारा ब्लू लगून। तो चलिए अब हम बनाते हैं मसाला मिंट लेमनेड। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ग्लास के अंदर 2 से 3 लेमन के स्लाइसेस। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 से 5 पत्ती पुदीने की। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून लेमन जूस। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 क्यूब्स आइस के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सोडा। तो ये लीजिए तैयार है हमारा मसाला मिंट लेमनेड बनकर। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़े से लेमन स्लाइस से गार्निशिंग कर दी है। और ये लीजिए स्ट्रॉ भी हमने इसमें लगा दी है। तो तैयार है हमारे तीनों फ्लेवर के मॉकटेल्स बनकर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।